डियर स्टूडेंट्स, डिस्कनेक्शन अप्रोच में आज मैं आपको एक मॉलिक्यूल, एक एग्जांपल लेंगे और उसका कैसे डिस्कनेक्शन किया जाए और फिर उसको कैसे सिंथेसाइज किया जाए इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो इस डिस्कनेक्शन पार्ट में इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ वो एक ड्रग है, एस्थमा के पेशेंट्स को दी जाती है। तो एस्थमा ड्रग, एक सेल्बुटामॉल का एग्जांपल हम यहाँ लेंगे। सेल्बुटामॉल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है जो यहाँ शो कर रखा है। इसमें एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अटैच्ड एक OH ग्रुप है, उसके ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH ग्रुप है और इस OH के पैरा पोजीशन पर इस तरह से एक CHOH और फिर CH2NH और NH के नाइट्रोजन से एक टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप लगाए, तो ये एक एमिनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ये हमारे लिए एक टारगेट मॉलिक्यूल है क्योंकि इस मॉलिक्यूल को अपने को सिंथेसाइज करना है। तो सबसे पहले हम एक रिवर्स रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करें, डिफरेंट बॉन्ड्स को डिस्कनेक्ट करें और डिस्कनेक्ट करते हुए हम इसको इसके सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल तक ले जाएं, जो कि लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल हो। ये सारे पाथ जो हम शो करेंगे वो कहलाएगा डिस्कनेक्शन। फिर जिस सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में हम इसको लेके जाएंगे उससे इस सेल्बुटामॉल को वापस हम कैसे बनाएंगे वो इसका हो जाएगा सिंथेसिस पार्ट। इसलिए ये हमारा एक हो गया टारगेट मॉलिक्यूल। अब देखिए, जब हम इसको डिस्कनेक्शन करते हैं तो सबसे पहली बात अपने ध्यान में ये लानी चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में का कौन सा जो है पार्ट वो हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल ले सकते हैं जो लैब में इजीली अवेलेबल हो। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें एक बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग को तो हम डिस्कनेक्ट करते नहीं हैं, इसलिए हमारे दिमाग में सीधी सी एक ये बात आती है कि इसके स्टार्टिंग मटेरियल में एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। अब बेंजीन रिंग हमने आइडेंटिफाई कर ली तो बेंजीन रिंग से देखिए ये ग्रुप अटैच्ड है, एक OH है, एक CH2OH है और फिर ये आगे CHOH और एमिनो ग्रुप है। तो हमने पहले प्रीवियसली ये पढ़ रखा है कि अगर बेंजीन रिंग पर बेंजीन रिंग के कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से तो हम ऐसे बॉन्ड को कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करते और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में इस तरह का ग्रुप पहले से लगा हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में बेंजीन और बेंजीन पे एक OH ग्रुप तो होना ही चाहिए। तो ये हमारे लिए एक फिनॉल हो गया, तो स्टार्टिंग मटेरियल एक फिनॉलिक जो है वो कंपाउंड हो गया। अब साथ के साथ अपन ये देखें कि इसमें एक ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH ग्रुप लगा है, तो थोड़ी सी अपन केमिस्ट्री पर ध्यान दें तो CH2OH ग्रुप जो है वो हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप CH ग्रुप को रिड्यूस करके रिडक्शन करके ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस OH की ऑर्थो पोजीशन पर अगर हम CH ग्रुप लगा दें तो हम इस सिंथेसिस के टाइम CH ग्रुप को रिडक्शन करा के किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, CH2OH ग्रुप में। तो ये CH2OH ग्रुप हमारा CH से आ जाएगा। तो जैसे ये थोड़े से दो फंक्शन ग्रुप हमने दिमाग में सेट कर लिए बेंजीन रिंग पर, जिसमें से एक फंक्शन ग्रुप तो हो गया OH और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक दूसरा फंक्शन ग्रुप हम ये माइंड में सेट कर लें कि वो CH है। जैसे ही ये OH और CH आए तो ये मॉलिक्यूल जो है जो लैब में इजीली अवेलेबल होता है वो ये है, एंड दिस इज़ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और हम इसको कॉमनली सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये हम एक स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में हम ये सोच सकते हैं कि हम इसको काम में ले सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टार्टिंग मटेरियल अगर हमने दिमाग में बिठा लिया तो अब हमारा काम होगा इसमें बॉन्ड्स को और दूसरे जो बॉन्ड्स हैं उनको कैसे
ब्रेक करके हम इसको सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करें। तो ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है इसको डिस्कनेक्ट करते हुए हम बताएं तो हमें एक एनालिसिस शो करते हैं। तो टारगेट मॉलिक्यूल, अब देखिए यहाँ पर जो इस OH की पैरा पोजीशन पे ग्रुप है CHOH, फिर है CH2NH टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। हमने पढ़ा है कि एक जब भी डिस्कनेक्शन करना हो तो एक बेंजीन रिंग के साइड में अगर कोई कार्बन और हीट्रो एटम के बीच का बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हमें ब्रेक कर देना चाहिए। तो अगर हम ये पहले सोचें कि ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें, कर सकते हैं, उस केस में क्या होगा, ये जो पार्ट है उसको हम एक इपॉक्साइड या थ्री मेंबर रिंग की फॉर्म में निकालेंगे। उसकी बजाय हम क्या करें, इस CHOH को कन्वर्ट कर दें CO ग्रुप में, जो भी हो सकता है किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम, जो कि एक इजी अप्रोच रहेगी हमारी, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस टारगेट मॉलिक्यूल पर हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन यानी FGI करेंगे, और FGI करके ये जो CHOH ग्रुप है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे CO ग्रुप में, क्योंकि हम जानते हैं हम CO ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, CHOH सेकेंडरी एल्कोहल में। तो अब हमने यहाँ इसको CO ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही CO ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया तो एक फर्स्ट कार्बन CO का हो गया, सेकेंड कार्बन ये हो गया CH2 जिससे अटैच्ड है नाइट्रोजन यानी एमिनो ग्रुप। तो एक 1-2 रिलेशनशिप दिख गई, 1-2 रिलेशनशिप दिख गई। तो अब हम यहाँ इस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यह 1-2 डाइएक्स रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम यह कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो नाइट्रोजन जो हटेगा एज ए नेगेटिव हटेगा, तो ये तो पूरा एक एमीन निकाल दे। तो यहाँ इस कार्बन से एक दूसरा नेगेटिव ग्रुप लगा देते हैं जो कि एक हैलोजन है। तो हैलोजन और एमीन के बीच में रिएक्शन हो सकती है, तो यहाँ से हमने इसको एक अल्फा हैलोकीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ इस कार्बन पर एज हैलोजन हम जैसे ब्रोमीन को लगा देते हैं। तो ये हमारा एक अल्फा ब्रोमो कीटोन ग्रुप हमने यहाँ पर OH की पैरा पोजीशन पे लगा दिया। रिवर्स रिएक्शन में डेफिनेटली इस हैलोजन की एमीन से रिएक्शन होगी, तो एमीन का हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन हट जाएगा, और इस ब्रोमीन की जगह पर ये एमिनो ग्रुप NH टर्शियरी ब्यूटिल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो सकती है। अब हम और इसको सिंपल आगे ले जाएं, तो कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो एक सिंपल ये यहाँ पर COCH3 ग्रुप लगाया जा सकता है, क्योंकि COCH3 में ये जो अल्फा कार्बन है उस कार्बन अल्फा कार्बन का हैलोजिनेशन कराकर उसको अल्फा ब्रोमो कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस OH की पैरा पोजीशन पे COCH3 ग्रुप आ गया। अब अगर हम ध्यान दें तो जिस तरह से बेंजीन पर हम एक एसाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, ऐसे ही फिनोलिक रिंग पर भी हम एसिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, और वो रिएक्शन कहलाती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम यहाँ पर इस एसिल ग्रुप को हटा देते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, तो ये एक एसिल ग्रुप अलग हो जाएगा और एक हमारा स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन रिंग OH, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH ग्रुप। अब हम यहाँ पर इसको वापस फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर दें, यानी इस CH2OH को जैसे मैंने कहा इसको हम कन्वर्ट कर दें COOH ग्रुप में। तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल एक तरह से हो सकता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर हम यहाँ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को लेकर इन्हीं सारे स्टेप्स को हम दोहराएं, पीछे इसकी तरफ इस तरह से जाएं, तो हम अपना सेल्बिटमॉल या टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अब हम इसकी सिंथेसिस को देखते हैं कि हम सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो एक सिंथेसिस के भी दो रूट हम थोड़े से यहाँ देखेंगे। फर्स्ट रूट अगर हम देखें हम सिंथेसिस कैसे करें, उसमें कुछ परेशानी आती है, तब हम एक फाइनल स्कीम सिंथेसिस सेकेंड को काम में लेंगे। तो हमारा ये एक स्टार्टिंग मटेरियल हो गया।
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, एसिटाइलेशन कराते हैं, तो ये जो OH ग्रुप है उस OH ग्रुप का एसिटाइलेशन हो जाएगा और H की जगह पर COCH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना इसमें हम एक रीअरेंजमेंट कराते हैं, दैट इज नॉन एज फ्रीज रीअरेंजमेंट। इसको हम AlCl3 के साथ ट्रीट कर दें तो ये जो COCH3 ग्रुप है वो यहाँ से हट के इसके पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है और एक H यहाँ पर हम इसको लगा दें तो ये कंपाउंड बन जाएगा जहाँ COCH3 ग्रुप जो है वो रीअरेंज होकर OH के पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ब्रोमीन के साथ करा दें तो ये अल्फा कार्बन का जो है वो ब्रोमिनेशन हो जाएगा और यहाँ ब्रोमीन एटम को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये अल्फा ब्रोमो कीटोन हमें मिल जाएगा। अब इस अल्फा ब्रोमो कीटोन की जैसे हमने सोचा है टर्चरी ब्यूटिलामीन के साथ रिएक्शन करा दें तो इस ब्रोमीन और टर्चरी ब्यूटिलामीन के बीच रिएक्शन होगी और यहाँ पे ब्रोमीन की जगह एमिनो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट में काम बचता है, हम इस कंपाउंड ए जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है इसको रिड्यूस करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक जो है वो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस CO ग्रुप को CHOH में कन्वर्ट कर देता है और साथ के साथ COH ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा CH2OH में, तो हमें हमारी ड्रग सैल्बुटामोल या टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका एक रास्ता हम शो कर सकते हैं सिंथेसिस का सैल्बुटामोल ड्रग के लिए, लेकिन यहाँ पर इस सिंथेसिस में एक प्रॉब्लम आएगी, वो क्या, वो ये है कि यहाँ पर हमने ये एमिनो ग्रुप छोड़ रखा है और रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है ये अल्फा ब्रोमो कीटोन भी, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिएक्शन मिक्सचर में वापस ये जो अल्फा ब्रोमो कीटोन है वो इस एमीन की NH ग्रुप के साथ में रिएक्शन कर जाए तो इसका ये H और ये BR हट जाएगा और ये कार्बन इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा तो हमें हमारा यहाँ टारगेट मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो हम कह सकते हैं इन दिस सिंथेसिस इट इज पॉसिबल दैट द NH ग्रुप इन स्ट्रक्चर A might react again with the bromo ketone, so it is better to block it with a protecting group. This will be done by benzyl group. हम यहाँ एक benzyl group लगा के इसको protect कर लें, which is removable by hydrogenation. benzyl group को easily हटाया जा सकता है hydrogenation reaction से. So the final scheme of synthesis will be, तो इस थोड़े इसको हम एक ऑल्टर कर लें, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें सिंथेसिस का, तो जो एक फाइनल सिंथेसिस हम कर सकते हैं सैल्बुटामोल का उसको हम इस तरह से अब शो करते हैं और वो ये हो जाएगा इस तरह से। अब हम अपना स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो सैलिसिलिक एसिड नहीं लेंगे, उसकी जगह हम क्या लेंगे, ये भी इजीली अवेलेबल है, कमर्शियली भी अवेलेबल है, हम एस्पिरिन लेंगे। एस्पिरिन क्या है, एक डेरिवेटिव है, इस OH ग्रुप की जगह H की जगह एसिल ग्रुप लग रहा है यानी OCOCH3, तो डायरेक्ट हम एस्पिरिन ले लेंगे। इस एस्पिरिन को हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से जो ये COCH3 ग्रुप है वो जो है रीअरेंज होकर इस OH ग्रुप की पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, तो पैरा का H हम यहाँ लगा दें, ये हो जाएगा OH और ये COCH3 ग्रुप इसके पैरा पर सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसके बाद आगे के स्टेप में हम इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें क्लोरोफॉर्म में, तो अल्फा पोजीशन पर अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये CH3 ग्रुप जो है पर चेंज हो जाएगा CH2Br में, तो बेंजीन रिंग OH COH CO CH2Br। अब हम यहाँ इस हैलोजन की रिएक्शन करा देते हैं बेंजिल ग्रुप कंटेनिंग एमीन के साथ,
तो पी एच सी एच टू एन एच और एन एच पर लग रहा है टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। इसकी रिएक्शन से ये एन एच का एच और ब्रोमीन हट जाएगा, तो इस कार्बन से बॉन्ड बन जाएगा। हम कह सकते हैं इस तरह से, ये कार्बन ब्रोमीन हटा, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से अटैच्ड रह गया टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप और इसी नाइट्रोजन से अटैच रह गया सी एच टू पी एच। स्ट्रक्चर ये बन गया, बेंजीन रिंग ओ एच सी ओ एच सी ओ पैरा पोजिशन पे, देन सी एच टू, सी एच टू से अटैच्ड एन, एन से बेंजीन ग्रुप, ये सी एच टू पी एच और इसी नाइट्रोजन से अटैच्ड टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह से हमने उस पहले वाले जो सिंथेसिस की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर ली। अब हम यहाँ पर इस कंपाउंड का रिडक्शन कर दें विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस CO को कन्वर्ट कर देगा CHOH में और इस COOH को कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH में। तो एक ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल का जो पार्ट है वो यहाँ मिल गया CH2OH और ये यहाँ आ गया CHOH CH2N टर्शियरी ब्यूटिल CH2PH। अब हमारा काम है हम यहाँ से इस बेंजिल ग्रुप को रिमूव कर दें और इसकी जगह एक एच लगा दें। वो किया जा सकता है हाइड्रोजिनोलिसिस से। तो हम इसकी रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ पैरिडियम एंड कार्बन, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजिनोलिसिस। यहाँ से नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हम यूँ कह सकते हैं एक एच अटैच हो जाएगा सी एच टू के साथ, एक एच अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो ये कन्वर्ट हो गया सी एच टू एन एच टर्शियरी ब्यूटिल। यहाँ से हम कह सकते हैं टोलोइन का मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, पी एच और सी एच टू कन्वर्ट हो गया सी एच थ्री में। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ये स्ट्रक्चर हमारा सेल्ब्यूटामॉल ड्रग का है जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था। तो इस प्रकार से हम सिंथेसिस में सैलिसिलिक एसिड लेने के बजाय सीधे ही एस्प्रिन लेंगे। तो एस्प्रिन का डायरेक्ट AlCl3 की प्रेजेंस पर रीअरेंज करके हम COCH3 ग्रुप को इसके पैरा पोजीशन पर सब्सटीट्यूट करा देंगे और फिर आगे के स्टेप में बेंजिल ग्रुप से हम प्रोटेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजिनोलिसिस करते हुए टारगेट मॉलिक्यूल को अचीव कर लेंगे। तो इस तरह से डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस में हमारा सबसे पहला पार्ट होता है ये ध्यान देना कि हम स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या ले सकते हैं। वो एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए जो लैब में या कमर्शियली इजीली अवेलेबल हो।